पचासियों अखबारों में छपी और टेलीविजन चैनल्स पर भी चला होगा, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अखबारों में जो छपी है वो मैंने देखा है, और सभी बड़े न्यूज़पेपर्स में, रीजनल न्यूज़पेपर्स में, सब में छपे। वो कोई फ्री में तो छापा नहीं होगा, उनके लिए पैसे गए होंगे। अब इतने करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? एक तरफ सहारा का कर्मचारी इंप्लॉई, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको 50% 40% 30% इस टाइप से पैसे मिल रहे हैं, और एक तरफ ये ऑबिचरी के लिए पैसे आ जाते हैं। ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि अभी ये जो सवाल उठा कि जो लोग दबाव बनाते हैं अपना निवेश लेने के लिए, उनको मिल जाता है, ये उनके दबाव की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना दबाव बना पाते हैं। अगर वो दबाव का बहुत कठिन हो जाता है, कोर्ट में चला जाता है, पुलिस आ जाती है। कई लोगों ने तो मुझे बताया कि एक दो लोग इतने ताकतवर हैं कि कैंपस में जा करके बवाल काटते हैं और उसके बाद वो पैसा लेके आते हैं और कैश पैसा लेकर के आते हैं, ऐसा भी हमको सुनने में आया है। ये कहीं से पुष्टि नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि कैश लेकर के चले आते हैं। और मुझे मालूम है कि सहारा ग्रुप का जो नोएडा का दफ्तर है, वहां जब छापे पड़े, जिसने छापे पड़वाए उसके भी बारे में लोग कहा जाता है, छापे पड़वाने वाला भी अंदर का आदमी, और वहां छापे पड़े, नोट गिनने वाली मशीन लगी, और लोग कहते हैं कि 200 करोड़ 300 करोड़ निकला, कहा जाता है कि 500 करोड़ से ज्यादा पैसा था। अब क्या सही है ये नहीं मालूम है, लेकिन उस वक्त जो सीबीआई ने कहा या इनकम टैक्स ने कहा, वो 200 करोड़ से तो ज्यादा कहीं पैसा था। अब सवाल है कि कैश के रूप में इतना पैसा है, कहा जाता है कि सहारा ग्रुप के पास सबसे बड़ा, सहारा ग्रुप मोंटी चड्ढा और मोंटी चड्ढा के बाद कैश रिच कंपनी है। अब इसका मतलब है कि पैसे हैं, उसका स्वरूप क्या है ये पता नहीं है, कैश के रूप में है, अकाउंटेड अकाउंट फॉर है, अनअकाउंट फॉर है, ये मालूम नहीं है। पैसे हैं, जब जरूरत पड़ती है पैसे निकल जाते हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि बहुत सारे अधिकारियों के लिए मर्सिडीज खरीदे गए, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं, अधिकारियों को मर्सिडीज, अधिकारियों को 1,40,00,000 रुपए की मर्सिडीज आती है जब सुब्रत राय की मौत के कुछ दिन पहले एक जिम्मेदार लोगों के साथ, जहां पैसे ही नहीं है वहां 1,40,00,000 रुपए की मर्सिडीज आती है। आखिर ये पैसे देश के निवेशकों के भुगतान के लिए नहीं खुलते और इसके लिए ऐशगाह के संसाधन बनाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकारों को संज्ञान लेने की जरूरत है। नहीं लेंगे तो सड़क पे हम निकल रहे हैं और 27 को हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके लिए शुक्ला जी एक मिनट, आप ही की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जब क्यू शॉप को जब सोसाइटी वाले पॉलिसी में जब कन्वर्ट किया गया था, तो उस वक्त सहारा मैनेजमेंट ने मैनेजरों के लिए एक लॉलीपॉप व्यवस्था लाया था। क्या भाई, मकान के लिए आप लोन ले लीजिए बहुत सस्ते दर पे हमसे। एक एक ब्रांच मैनेजर को, जो फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजर था, उसको कार खरीदने के लिए 6-7 लाख का जो था उसको पैकेज दिया गया था कि बोलो और तुम अपने कमीशन, इंसेंटिव, बोनस और वार पे उसका पैसा हमको रिटर्न करना। ये किसके पैसे थे? सुब्रत राय को जैसे कि वो आलू प्याज बेचने का धंधा करता था, क्या वो निवेशकों का पैसा था? और वो उस वक्त की घड़ी है और आज की घड़ी है। वो सारे पैसे बांदरबांट किए गए, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं मिला। ये कड़वा सच्चाई है, सारे पैसे बांदरबांट किया गया हाउसिंग फ्रेंचाइजी के मकानों पे और उनके घरों पे और उनकी गाड़ियों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये लोग सुब्रत राय के फ्रेंचाइजी गार्जियन के दौरान जो घर बनवाए और जो गाड़ियां लिया वो सब देश के निवेशकों का पैसा ले लिया और अपना काम किया, ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो तो सहारा का हेड, बड़ा खुलासा, सहारा के जोन ऑफिस में, सहारा के रीजनल ऑफिस और जोन ऑफिस में हेडक्वार्टर, तो बहुत बड़ी बात है। छापा मारा जाइए, डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा। ऐसे मैनेजरों को मैं जानता हूं, भूतनाथ रोड ब्रांच का विजय कुमार सिन्हा था, मेरे सामने उसने कार लिया है और लोन पे लिया है। ऐसे कई मैनेजरों को मैं नहीं जी सकता हूं लाइव में लिस्ट बोलूंगा। कल परसों बुलाएंगे, नागेश जी को भी बुलाएंगे कल परसों। आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी और सिंह साहब। ये
आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने क्या कहा कि 27 दिसंबर को आपका कोई आयोजन है? 27 दिसंबर को हम सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं और केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से हमको आप जहां आपकी लड़ाई जहां होगी हमारा क्यूआई नेटवर्क हमेशा खड़ा रहेगा, नंबर वन। नंबर टू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप दलदल में उतरते हैं तो कमल तो दलदल में खिलता है, कीचड़ में तो कुछ कीचड़ में कमल भी है, लेकिन कीचड़ तो आखिर कीचड़ है, उस कीचड़ की सफाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। चले गए लेकिन बहुत सारे दलाल को अभी एक्सपोज होना बाकी है। मैं देख रहा हूं कि घड़ियाली आंसू भी बहाए जा रहे हैं विज्ञापन दे दे करके, घड़ियाली आंसू, जिन्होंने पैसे बनाए वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं खुलासा, कल एक आध दो दिन में खुलासा करने वाला हूं, जल्दी। आशुतोष सर, जो मीडिया के दलाल है, जो सामने रह करके इस ग्रुप को डुबोने का काम किया, उसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करूंगा कि कैसे आशुतोष सर, सबसे बड़ी बात है, निवेशकों के साथ बलात्कार किया है, बलात्कार किया है आशुतोष सर, बिल्कुल। निवेशकों के साथ, इनोसेंट कर्मचारियों के साथ, सहारा के सुधी कर्मचारियों के साथ, सहारा के ईमानदार कर्मचारियों के साथ कैसे इन्होंने उनको डुबोया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है। एक ऐसा ग्रुप जो इमर्ज कर रहा था, पूरी दुनिया में राज कर सकता था, लेकिन कुछ दलालों ने दलाली करके कैसे सुब्रत रॉय के पूरे एम्पायर को तबाह कर दिया, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है, आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ऐसे ईमानदार पत्रकारों की फौज थी, ऐसे ईमानदार कर्मचारियों की फौज थी, ऐसे ईमानदार निवेशकों की फौज थी, वो सारे के सारे आज रो रहे हैं, लेकिन कुछ दलाल आज भी सत्ता के साथ घूम फिर रहा है। हैरानी है, धिक्कार है इस देश पर, इस देश के पुरुषार्थ पर। एक दो दिन में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों का इंतजार, उन दलालों का पूरा कच्चा चिट्ठा आज अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। एक मिनट आशुतोष सर, एक मिनट। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।